करो जो करना है। साहब, 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 साहब मेरे बेटे खो गए हैं साहब। बस आदि, आराम मत सांगा। किधर खोई बच्ची? साहब, मेरी संतोष विचर है। हम लोग उधर दहीसर में कांदरपाड़ा में रहते सर। हमारी बेटी सेजल सर, वो खो गई है सर। शिल्पा, क्या कर रही हो तुम? ये मेरा छूना इतना बुरा लग रहा है तुम्हें? पिंचो बोधी अपने आप को। पति पत्नी है हम, प्रॉब्लम क्या है? क्या है प्रॉब्लम? प्यार करना तो छोड़ो, मुझे लगता है तुम नफरत करती हो मेरे से। मेरी बात कानों में पड़ रही है तुम्हारे? जवाब दो ना। हर बार टच टच टच। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? किसी प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, भगवान के लिए दूर रहो मुझसे। I'm sorry। लाओ मैं तुम्हारे बालों में लगा देता। प्लीज शिल्पा, प्लीज, मैं सॉरी बोल रहा हूं ना। ये लो, कर लो जो करना है। यही चाहते हो ना? क्या हुआ, खुश नहीं हो अभी? यही एक पत्नी का धर्म होता है ना। आपकी माँ कह रही थी कि एक पत्नी का धर्म है कि अपने पति को खुश रखना। तो हो जाइए खुश, कर लीजिए अपनी मन की। लगाओगे ना? देखो अब तो मैं सुंदर भी नहीं दिखती, मैं खूबसूरत नहीं रही। तुम गजरा लगाना चाहते थे ना? लो लगाओ मेरे बाल में गजरा, लगाओ ना, लगाओ। यही पूजा, गला घोटकर मारा गया। इसकी बॉडी पर भी मार्क्स हैं। इसका मतलब इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई है। सुनसान इलाका है, पर एक दो दुकान खुली हुई है, पता करो। क्या? मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं? मैं कोई पागल नहीं हूं। ये डॉक्टर अविनाश, बहुत ही नामचीन डॉक्टर है। मैं इसके पास गई और बहुत प्यार से बात की। इसको बोला, तू डर मत, मैं तेरी दीदी है, मैं तेको आई के पास लेके जाएगी। और वो मान गई। मैं उसको लेके विरार स्टेशन उतर गई, पर वो बार बार मुझसे अपने आई के बारे में पूछ रही थी कि कब आई के पास जाएंगे, कब आई के पास जाएंगे। और अब अपने ठिकाने पे जाने के लिए ऑटो किया, तब तक वो किन्नर आ गया। उसको जल्दी जल्दी हटाने के लिए मैंने उसको 5-5 रुपए के 2 नोट दिए। फिर मैं उसको
अपने ठिकाने पे लेके गई और उसकी हर फरमाइश को पूरा किया ताकि उसे हम पर विश्वास हो जाए। हम अपनी लड़कियों को इतने प्यार से रखते हैं कि वो धीरे धीरे हमारी हो जाती है। फिर मैंने सेजल का इस्तेमाल किया पूजा की किडनैपिंग में। देख बेटा, वो जो लड़की है ना, आज हम उसे अप्रैल फूल बनाने वाले हैं। हाँ, तुझे बस उसे अपनी बातों में फंसा के ना उसे मेरी बताई हुई जगह पर लाना है, ठीक है? चल चल जा। ऑटो। दीदी दीदी, मेरे को घर जाना है, मैं रास्ता भूल गई हूँ, आप मुझे घर पहुँचा देगी? अरे बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगी। किस तरफ है आपका घर? उस तरफ हो, उस तरफ। अच्छा, उस तरफ है, चलिए। बेटा कहाँ है आपका घर? मुझे तो दिख नहीं रहा। वो जो है ना वो। अच्छा, वो झोपड़ी। ओके चलो। अच्छा, आपका घर आ गया। वाह सेजल वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया। अब तुझे ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट्स मिली, कुछ नहीं हुआ, ये ले तू बस। तुमने सेजल का इस्तेमाल करके पूजा को किडनैप किया, तो फिर पूजा को मारा क्यों? वो भागने की कोशिश कर रही थी, उसे नहीं मारते तो वो हम सबको फंसा देती। तो सेजल, सेजल कहाँ है? उस किडनैपिंग के बाद से सेजल हम पर विश्वास नहीं करती थी। दूसरे बच्चे तो हमारी बातें मान लेते थे पर सेजल नहीं, उसका भरोसा उठ गया था हम लोगों पर से। पर फिर भी मैंने एक बार और उसका इस्तेमाल किया। कॉलेज से आती लड़की देख, मैंने सेजल को बोला कि वो पहला फुसला कर उस लड़की को हमारी बताई जगह पर लेकर आए, और सेजल ने भी हाँ बोला और वो गई भी वहाँ, पर वो रुकी नहीं, वो भाग गई। हम भी उसके पीछे पीछे गए उसे पकड़ने, पर वो जाके पुलिस की गाड़ी के पीछे छिप गई। वो पुलिस की गाड़ी गई, वो भाग चुकी थी। ऐसा लग रहा था आपसे जल मिल जाएगी, पर फिर वही, ये केस तो घास में सुई ढूंढने ऐसा लग रहा। निखिल, निखिल, इसे होश आ गया। भगवान का शुक्र है कि इसको होश आ गया। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, ये लो। लो सूप पियो, भूख लगी होगी ना, पी। अरे अंजलि, वो अपने हाथ से कभी खाता है क्या? तुम खिलाओ ना उसको। खाता है नहीं, खाती है, मैं लड़की हूँ। इसे तो आदत है जोक मारने की, शैतान कहेगा। अब चलो, अब भूख लगी होगी ना, जल्दी से खा लो और फिर आराम करो, थक गए होगे ना, चलो लो। अरे अंजलि, अरे सुनो तो, देखो मुख्यमंत्री जी ने बिजली के दाम आधे कर दिए भाई। अब कब का अखबार पढ़ रहे हैं? यह 3 साल पुराना है। अरे हमारे बेटे को ना मजाक बहुत पसंद है। तेरे पापा इतने शांत है, मैं इतनी शांत हूँ, फिर तू इतना शरारती क्यों है? चल तेरी पसंद का पोहा बनाया, खा ले। पोहा? मैं पोहा नहीं खाती। ये क्या नया मजाक है? तुम्हारी माँ ने इतनी मेहनत से पोहा बनाया, लाड साहब को पोहा पसंद नहीं है? चुपके से खा ले सुमुकेश। मैं सुमुकेश नहीं हूँ, मैं सेजल हूँ। तू सुमुकेश है, मेरा बेटा सुमुकेश, समझा? मैं तेरी मम्मी हूँ और ये तेरे पापा हैं, समझ गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा आई पापा है, आप दोनों नहीं हो, और मैं सुमुकेश नहीं, सेजल हूँ, सेजल, लड़की हूँ, लड़की। क्या कहा? लड़की है तू? अरे तू मेरा बेटा है, हमारा बेटा है। हमने खो दिया था तुझे, पर अब तू मिल गया, अब हम तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे, समझा? निखिल शांत हो जाओ, वो क्या है ना कि वो हमसे इतने दिन दूर रहा है तो वो कंफ्यूज हो गया है, और वो क्यों है ये मैं समझ रही हूँ। इसकी शक्ल देखो और इसके बाल, ये इतने बड़े हैं ना इसीलिए इसको लगता है कि ये लड़की है। काट डालो सबको, इसे पकड़ कर रखो। नहीं!
रुक जा। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। नहीं, खड़ी रह। मेरे पास रुक कर। नहीं, नहीं। क्या? हाँ? जाने दो मुझे। सीधी खड़ी रह। अब कहेगा तू लड़की है, नहीं ना? चल नाश्ता कर ले अब। जवाब चाहिए ना, जवाब चाहिए ना तुम्हें? तो सुनो, मेरा नाम शिल्पा नहीं सेजल है, सेजल। यही जानना चाहते हो ना कि मैं तुम्हें अपने आप को छूने क्यों नहीं देती? वो इसीलिए क्योंकि कि मैं कभी आई बनना ही नहीं चाहती, नहीं बनना मुझे माँ। पर क्यों? तुम्हारा नाम शिल्पा हो या सेजल, उससे मेरा प्यार कम नहीं होगा। पर और कोई सच मत छुपाओ मुझसे, मेरा दम घुट रहा है। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली सिर्फ एक ही औरत थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है सिर्फ उस औरत की वजह से। मेरा भी घर था, आई थी, बाबा थे। मेरी आई ने मेरा नाम दिया सेजल, मैंने उस नाम को कलंक की तरह मिटा दी और बन गई शिल्पा। सेजल तो बचपन में ही मर गई थी। समझाया था लड़की हूं ना, ये हो गई। अरे तेरी कोई आई नहीं, कोई बाबा नहीं, हम दोनों तेरे माँ बाप हैं। कब से तेरे को समझा रहे लेकिन तेरे को समझ में ही नहीं आता कि तू लड़का है, लड़का। इतनी बात तेरे भेजे में घुसती नहीं क्या? अब मैं तेरे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी में बोलेगा ही नहीं कि तू लड़की है। बार बार जब तुझे लगेगा तू लड़की है तो तुझे याद आएगा कि मैंने तेरे साथ क्या किया था। सोच कि तेरी मेमोरी में ऐसा डेटा डाला जो कभी डिलीट ही नहीं हो सकता। एक दिन नहीं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, गिनती भी भूल गई। कितनी बार रेप हुआ याद भी नहीं। अच्छी थी, हार मान चुकी थी और मान लिया कि मैं लड़की नहीं, लड़का। पूरी तरह से टूट चुकी थी। भागने की कोशिश करती या सोचती तो डर से कांपने लगी। फिर एक दिन मौका मिला और मैंने हिम्मत की। Thank you.
रही है सेहराने बोलते है। तू उसके साथ भी वही करता जो तूने हमारी बड़ी बेटी के साथ किया। तेरे को क्या लगा कि मेरे को नहीं मालूम कि तूने हमारी बड़ी बेटी के साथ क्या किया? सर, मीना हमारी बड़ी बेटी, इसने उसे मार डाला। क्या क्या नहीं किया उसके साथ? अपनी नाबालिग बेटी का धंधा किया उसने, उसकी पाली शुरू होते वो मेरे यार दोस्त हुए। चुपचाप देखती रही और करती भी क्या? हमारे समाज में औरतों की जगह ही क्या है? पर एक बात तो मैंने ठान ली थी कि जो मेरी बड़ी बेटी के साथ हुआ वो मैं सीजल के साथ नहीं होने दूंगी। मान लिया कि उस वक्त तूने टेंशन में अपनी बेटी को ट्रेन में बिठा दिया, पर 20 साल तक चुप क्यों रही तू? तो बेटा तो जन चुकी थी साहब, अगर ये जेल चला जाता तो अपने बेटे को कैसे पालती, कैसे बड़ा करती उसे? इस पे भरोसा नहीं था मुझे, इसलिए इसके डर से सेजल को स्कूल से घर नहीं जाने देती थी। अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने सेजल को ट्रेन में चढ़ा दिया। मेरे को लगा कि हमारी घर की दुनिया से बुरी नहीं होगी बाहर की दुनिया। भाई, जिस दर्द से तुम मुझे बचाना चाहती थी हर मोड़ पे वही दर्द मिला मुझे, जो घर की चार दीवारी के अंदर होना था वही सब बाहर हुआ। और माँ रुक्मणी के पास अपनी बच्ची को बचाने के कानूनी रास्ते भी थे, लेकिन उसने उन पर भरोसा नहीं किया। हमें ये समझना होगा कि बच्चों के बचपन में हम जो बोते हैं आगे चलकर हम वही पाते हैं। दोष बच्चों का नहीं होता, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो वो सिर्फ एक कोरे कागज की तरह से होते हैं। उस कोरे कागज पर हम जो लिख देते हैं उसी से उनका भविष्य तय होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस कोरे कागज पर माँ बाप की लिखी लिखावट को मिटाकर अपनी एक ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जिसमें अतीत होता तो है लेकिन सिर्फ एक सीख के तौर पर, श्राप के तौर पर नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.